हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज लेकर आया हूँ एक फुटबॉल बैनर कैसे क्रिएट करें। तो चलिए उसके लिए से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फोटोशॉप में एंड फाइल में जाके न्यू पेज क्रिएट करेंगे एंड नेम में टाइप करेंगे फुटबॉल बैनर एंड डॉक्यूमेंट टाइप में रखेंगे कस्टम विड रखेंगे 1200x1200 रेजोल्यूशन 72 एंड ओके। अब कंट्रोल जीरो करके हम पेज फिट करेंगे एंड बैकग्राउंड का लॉक ओपन करेंगे। अब हम सबसे पहले इस पर लगाएंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में जाके हम ब्लैक एंड वाइट वाला ग्रेडियंट चूज कर लेंगे। ब्लैक एंड वाइट वाला ग्रेडियंट चूज करके अब हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे कलर सेलेक्ट करने के बाद इसमें रखेंगे ब्लू एंड इसमें रखेंगे पिंक। थोड़ा लाइट ही रखेंगे एंड ओके करके अब हम इसका एंगल चेंज कर लेंगे। ये ठीक लग रहा है एंड ओके कर देंगे। अब हम बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड की इमेज को कंट्रोल ओ करके सेलेक्ट करके ओपन करेंगे एंड सबसे पहले इस वाली इमेज को लेके आएंगे अपने इस पर बैक लेयर पर एंड कंट्रोल टी करके उसका साइज एडजस्ट करेंगे। ये ठीक लग रहा है एंड इसको हल्का सा ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ये ठीक लग रहा है अब एंड इसको कर देंगे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे लुमिनो सिटी पर कर देंगे एंड इसका भी ओपेसिटी कम कर लेंगे। ये ठीक लग रहा है एंड जो हमने पहले बैकग्राउंड ले रखा उसे भी लेके आएंगे इसी लेयर पर एंड उसे भी कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद कंट्रोल माइनस से पेज डाउन करेंगे, जूम डाउन जूम कम करेंगे एंड इसका साइज बढ़ाएंगे, रिसाइज करेंगे इसे, कंट्रोल ओ करेंगे ज़ीरो करेंगे फिर पेज फिट हो जाएगा एंड इसे कर देंगे कलर बर्न। कलर बर्न करने के बाद इसकी भी ओपेसिटी कम कर देंगे, इसकी ओपेसिटी कर लेंगे 30 एंड इसमें ऊपर लाइनिंग आ रही है तो इसे हटाने के लिए हम ब्रश का यूज़ करेंगे। ब्रश ले लेंगे एंड इससे इसे हटा देंगे। ये हट गया है एंड इसे हल्का सा और हल्का कर देंगे ताकि पूरा परफेक्ट हो जाए। अब ये ठीक लग रहा है परफेक्ट लग रहा है ये एंड नीचे भी इसको ऐसे कर लेंगे। नीचे से भी इसे हटा देंगे थोड़ा थोड़ा। ये अब ठीक लगने लगा है परफेक्ट हो गया। अब हम इसके ऊपर भी एक ग्रेडियंट लगाएंगे, सेम ये वाला ग्रेडियंट ले लेंगे एंड इसे कर लेंगे रेडियल। रेडियल में करने के बाद रिवर्स कर देंगे इसे एंड इसका साइज बढ़ा लेंगे हम यहाँ से, इसे कर देंगे 149 करने के बाद ओके कर लेंगे इसे एंड इसे कर देंगे लाइनर बर्न। लाइनर बर्न करने के बाद यहाँ पर रखेंगे हम जो एड मास्क है इस पर एंड ब्रश की मदद से हम ब्रश का साइज बढ़ा लेंगे और साइज बढ़ा लेंगे। अब ठीक लग रहा है ये एंड इस ब्रश का यूज़ कर लेंगे। ये ठीक लग रहा है। अब हम हमारा बैकग्राउंड लगभग तैयार सा होने लगा है एंड अब हमने जो पहले इमेज ले रखी हैं उन्हें डिलीट कर देंगे एंड कंट्रोल ओ करके
इमेज सेलेक्ट करेंगे इसमें। मैंने यहाँ से ऑलरेडी पहले ही ये डाउनलोड करके रख रखी है इमेज गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसको फिर से कंट्रोल टी करेंगे और इसका साइज रिसाइज करेंगे एंड हल्का सा रोटेट करेंगे, ये ठीक लग रहा है। एंड इसे यहाँ लेके आएंगे एंड इसे कैमरा रो फिल्टर में जाके इसकी क्लैरिटी हल्की सी बढ़ाएंगे, ब्लैकनेस बढ़ा देते हैं, हल्की घटा देते हैं हल्की सी, बस ठीक लग रहा है ये। एंड इसको कर देंगे लुमिनोसिटी, करने के बाद ये गाइस इसी के कलर में मैच हो जाएगा। एंड इसकी ओपेसिटी कर देंगे हल्की सी कम, ये देखिए गाइस ये इसी में मैच हो चुका है। एंड अब इस पे लगाएंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, जिससे ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा, जैसे हमने ये कम कर दिया है। एंड अब ब्रश की मदद से हम इसमें गाइस इसे यहाँ से क्लिपिंग मास्क जरूर करना, वरना ये पूरी स्क्रीन पे लेगा एंड अल्ट के साथ डिलीट कर देना तो ये इसके अंदर फील हो जाएगा। अब आप ब्रश की मदद से एक बार एक्स दबाएंगे तो ये इसके अंदर ही लेने लगेगा इसे और इसके अंदर ही फील हो जाएगा। एंड अब हम इस पर आएंगे एंड एड मास्क लगाएंगे एंड ग्रेडियंट यूज करेंगे, ग्रेडियंट ये ग्रेडियंट लगा दिया हमने, ये अब ठीक ठीक लग रहा है ग्रेडियंट। एंड इसे हल्का सा ऊपर करेंगे, अब ये ठीक ठीक लगने लगा है गाइस। अब हमारा ये पीछे का बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। एंड अब हमने जो पहले प्लेयर चूज कर रखा है, इमेज ले रखी है, उसको भी इसी फोल्डर पर उठा के लेके आएंगे एंड उसे कर देंगे सबसे ऊपर एंड रिलीज क्लिपिंग मास्क कर देंगे उसे एंड उसका भी साइज रिसाइज कर लेंगे, ये ठीक ठीक लग रहा है यहाँ पर। एंड अब इसका सबसे पहले हम बनाते हैं शेडो, शेडो बनाने के लिए ब्रश यूज करेंगे एंड इसका कलर चूज करेंगे। हमने ब्रश के लिए एक शेडो बनाने के लिए ब्रश का यूज कर लिया एंड इसको लगा लेंगे यहाँ पर एंड इसका हल्का सा साइज करेंगे छोटा, अब ये ठीक ठीक लग रहा है। एंड इसे कर देंगे मल्टीपल एंड इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देंगे, एक कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट बनाएंगे एंड उसको यहाँ रख देंगे एंड उसकी ओपेसिटी उसके ऊपर साइज रिसाइज कर देंगे, ये हमने साइज रिसाइज कर दिया है उसका भी। एंड उसकी ओपेसिटी भी कर देंगे कम, ये अब ठीक लग रहा है। एंड इस वाले में पहली इमेज में जाके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लगाएंगे फिर से एक बार और एंड इसको भी करेंगे क्लिपिंग मास्क एंड इस पे भी दबाएंगे कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट का इस एक ही बार लेगा एंड फिर सेकंड टाइम लेगा कंट्रोल प्लस डिलीट। अब हम ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद इसका साइज ब्रश का छोटा करेंगे, हल्का सा बड़ा करेंगे, ज़्यादा छोटा हो गया ये सॉरी। अब हम इस पे इसे ब्रश को लगाएंगे, अगर गाइस आपका ब्रश काम ना करे तो एक बार एक्स प्रेस करें कीबोर्ड से फिर आपका ब्रश काम करने लगेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड पीछे होता है और फ्रंट वाला आगे होता है तो इस वजह से ब्रश काम नहीं करता। अब हम इस पे एक और लेयर लगाएंगे लेवल्स की एंड उसे भी कर देंगे क्लिपिंग मास्क एंड इस पे भी कंट्रोल डिलीट दबाएंगे एंड इसको भी लगा लेते हैं हम नीचे, इसको लगा लिया है। अब सब अब
इन तीनों को लगा लिया है, तो इस पहली वाली मैच को हम करेंगे कैमरा रो। आप पहले भी कैमरा रो कर सकते हैं, मर्जी आपकी। अब हम इसको कर लेंगे, क्लैरिटी इसकी बढ़ा लेंगे थोड़ी, एंड ब्लैकनेस हल्की सी डाउन करेंगे ताकि ये ठीक ठीक लगे, एंड कलर में जाएंगे एंड सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे एंड ऑरेंजनेस कर देंगे हल्की सी कम, एंड रेडनेस भी कर देंगे हल्की सी, थोड़ी सी बढ़ा देंगे रेडनेस और पॉइंट कर देंगे एंड ओके कर देंगे इसे। ओके करने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे और इमेज लगाएंगे इसमें, उसके लिए करेंगे कंट्रोल ओ एंड इमेज सेलेक्ट करेंगे। ये ब्रश टाइप की मैंने इमेज पहले से ही डाउनलोड करके रख रखी है गाइस, यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसे लेके आएंगे हम अपनी लेयर पर एंड इसे सबसे ऊपर कर लेंगे एंड इसे कर देंगे रिलीज क्लिपिंग मास्क एंड कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद इसको कंट्रोल टी करने के बाद हॉरिजॉन्टल करेंगे एंड हल्का सा रोटेट कर देंगे। हल्का सा रोटेट करने के बाद इसको कंट्रोल टी करके रिसाइज करेंगे एंड इसको कर देंगे स्क्रीनिंग, इसका बैकग्राउंड चला जाएगा। एंड कंट्रोल एल करेंगे एक बार, लेवल्स लेके आएंगे एंड इसको हल्का सा हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे इसकी एंड इसे लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ अच्छा लग रहा है, एंड इसे कर देंगे इन दोनों के नीचे। अब हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे थोड़ी सी और छोटी कम कर देंगे हल्की सी, 93 कर लेंगे एंड अगले मैच पे जाएंगे एंड इसे भी कर लेंगे, सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे, ये वाली मैच को लेंगे दूसरी और इसको ले लेंगे अपने बैकग्राउंड पे। ये गाइस आ नहीं रही है तो इसे कर देंगे डिलीट, इसे भी कर देंगे डिलीट। अब ये वाली मैच जैसे आ नहीं रही थी तो गाइस अब हम जाएंगे जहाँ पर हमारी ये इमेज इंस्टॉल करके रख रखी है हमने, हम वहाँ से डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट उठाएंगे और हम अपनी लेयर पर लेके आ जाएंगे तो ये इमेज आ जाएगी डायरेक्ट। एंड इसको भी रोटेट करेंगे हल्का सा एंड इसका भी साइज बढ़ाएंगे गाइस, शिफ्ट के साथ भी आप बढ़ा सकते हैं गाइस साइज, इसका साइज रिसाइज शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, वरना तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हैं आप। एंड इंटर करेंगे एंड इसे भी कर देंगे स्क्रीनिंग ऑप्शन में जाके स्क्रीन कर देंगे, ये कर देंगे और इसका भी ओपेसिटी कम कर देंगे थोड़ी, ये ठीक लग रहा है। अब एक और बार कंट्रोल जे करेंगे और इसे कर लेंगे इस इमेज के ऊपर एंड यहाँ रख लेंगे इसे, ये रख लेंगे इसे यहाँ पर एंड इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे हम कंट्रोल टी करके, ये ठीक लग रहा है। अब इसको कर देंगे हम यहाँ रखेंगे यहाँ पर एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि ये दिखने में थोड़ा ठीक लगे, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी हमने एंड इसको भी कंट्रोल टी करेंगे फिर से और इसको साइज रिसाइज करेंगे दोबारा, ये कर देंगे एंड हल्का सा साइज इसका कुछ बढ़ा देंगे, ये अब ठीक लग रहा है। एंड हम पहले वाली इमेज को कर देंगे रिमूव जो हमने ले रखे हैं एंड फिर से कंट्रोल ओ करेंगे और डस्ट पार्टिकल की हम ले लेंगे इमेज सेलेक्ट करके एंड इन इमेजों को ले लेंगे अपने बैकग्राउंड पर एंड कंट्रोल डे करके इनका साइज करेंगे छोटा, अपनी स्क्रीन फिट स्क्रीन कर लेंगे इन्हें भी, बस ठीक लग रहा है। एंड कलर डोगेज में जाएंगे एंड इनकी ओपेसिटी कर देंगे 29, ये ठीक लग रहा है गाइस। एंड इस वाले को रिमूव कर देंगे, ये वाली भी डस्ट पार्टिकल अपने बैकग्राउंड पर लेके आएंगे एंड इसे भी कर देंगे कंट्रोल टी के साथ साइज एडजस्ट कर लेंगे इसका भी फिट स्क्रीन पर, ये ठीक लग रहा है। इसे भी सेम कर देंगे, इसे कर देंगे 31 करने के बाद इसको भी सेम वही करेंगे हम कलर टोगेज, ये अब कुछ ठीक ठीक लगने लगा है गाइस। अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट दे दूंगा मैं, ये फ्लिक्स नाम से है टेक्स्ट,
वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम यहाँ टाइप करेंगे मैच, कंट्रोल टी करेंगे एंड ये ठीक लग रहा है, एंड इसे इस मैच के नीचे लेके आ जाएंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये ठीक लग रहा है। एंड इसकी एक और ये कॉपी करेंगे एंड उससे थोड़ा और नीचे ले आएंगे, उस पर लिख देंगे डे, डी ए वाई डे कर देंगे एंड उसे ले आएंगे इसके ऊपर, ये इसको थोड़ा सा नीचे, एंड दोनों टैक्सों को पकड़ के कंट्रोल टी करेंगे एंड स्क्रूव करवा लेंगे, इसे स्क्रूव कर लेंगे जिससे हल्का सा ऊपर को हम रोटेट कर सकते हैं। ये ठीक लग रहा है गाइस, ये ठीक लग रहा है। अब हम इसको नीचे करना चाहते हैं और इसको ऊपर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए करेंगे इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक एंड इस पर लगा लेंगे एड मास्क एंड कर देंगे कंट्रोल आई। अब गाइस ये पीछे चला गया, अब हमें एक खाली ऊपर लेके आना है, तो हम ब्रश लेंगे यहाँ से एंड उसका साइज छोटा कर देंगे एंड एक खाली हम ऊपर ले लेंगे और ये थोड़ा सा हल्का सा ये ऊपर ले लेते हैं, बस ये अब ठीक लग रहा है। अब हम पहले इमेज पे लगा लेंगे ड्रॉप शेडो, हल्का सा इसका साइज कर देंगे कम एंड ब्लैकनेस बढ़ा लेंगे। ब्लैकनेस बढ़ाने के बाद हम इसको कर देंगे ओके एंड इसको कर देंगे क्रिएट लेयर राइट क्लिक करके। अब ये दो लेयर वे बन गई हैं गाइस, अब हमें इसके अंदर भी एक लेयर डालनी है, तो कंट्रोल जे करेंगे एंड इसको ऊपर लेके जाएंगे इसके ऊपर एंड इसको कर देंगे क्लिपिंग मास्क। अब गाइस जैसे कि ये इसके अंदर आ गया ब्लैक कलर, ए के अंदर आ गया ब्लैक ब्लैक, तो इसे हटा देंगे, एक्सप्रेस करेंगे और इसे हटा देंगे क्योंकि ये हमें ए के अंदर नहीं चाहिए, डी के अंदर चाहिए था जो हमने ले लिया, और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे ताकि ये डी पे भी ना आए और इसे कर देंगे मल्टीपल यहाँ से जो हल्का हल्का ही दिखे बस, और इसको भी इस वाली शेडो को भी हम कर देंगे हल्का ही 40-80 कर देंगे, 48-49 जो आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब ये ठीक ठीक लगने लगा है मुझे, तो गाइस टेक्स्ट तो हमने टाइप कर लिया। अब इसे और एट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इस पर लगाएंगे लेंस, ऑप्टिकल लेंस लगाएंगे, कंट्रोल ओ करके लेंगे एंड इसे भी लेके आएंगे अपनी इमेज पे एंड कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद इसका भी साइज छोटा करेंगे एंड इसे टैक्स के ऊपर ले जाएंगे जिस टैक्स के ऊपर लगाना है आपको एंड रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे एंड उसे कर देंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करने के बाद कहीं से इसका बैकग्राउंड हट जाएगा एंड उसे आप जहां अपने आपको अच्छा लगे वहां रख सकते हैं। आप जैसे मुझे यहां अच्छा लग रहा है मैं यहां रख रहा हूं, आपको जहां अच्छा लगे आप वहां रख सकते हैं। ये अब ठीक लग रहा है, इस वाले लाइट को कर देंगे हम यहाँ वहाँ थोड़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव, अब ठीक लग रहा है ये गाइस। एंड अब हम इस पर और टेक्स्ट जैसे हमें चाहिए, यहाँ पे हम एक इंट्रो के नाम से गाइस फॉन्ट आता है इंट्रो रस्ट के नाम से, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम टाइप करेंगे कि हमारा बैनर का इवेंट जिस दिन है, जैसे 24 मार्च, एक बार कंट्रोल दे करेंगे उससे नीचे ले लेंगे 2020 में, तो हम इसको कर देंगे बड़ा
गाइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने को जो अच्छा लगा मैंने वो रखा है। अब इसको कर देते हैं संडे, संडे। अब जैसे संडे को है तो गाइस अब हम रखेंगे कंट्रोल टी करेंगे इसको, इसको इस साइज का कर देंगे। अभी थोड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। अब हम इन तीनों को चूज करके यहाँ लेके आएंगे एंड इन तीनों का साइज कर देंगे, कलर कर देंगे अलग, थोड़ा डिफरेंट। ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड कंट्रोल जे करेंगे और बार। अब इसमें टाइप करेंगे इवेंट है कहाँ, तो जैसे टेली में हमारा टेली, कंट्रोल जे किया तो से नहीं चले गया। आप एक साथ भी टाइप कर सकते हैं गाइस। हम बेड पर स्टेडियम, स्टेडियम। अब स्टेडियम को हम कर देते हैं बड़ा ताकि इससे मिलता जुलता लगे और थोड़ा कूल सा भी दिखे। तो गाइस ये हमने कर दिया। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसे भी इसी के अलाइनमेंट कर लेंगे, ये ठीक लग रहा है। अब हम इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा कूल टाइप, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ये ठीक लग रहा है गाइस। अब हम और टेक्स्ट टाइप करेंगे लास्ट, जो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो करेंगे हम कि हमारा इवेंट स्टार्ट कब होगा। तो हम लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्टिंग टाइम, कंट्रोल टी करेंगे और इसको कर दूंगा साइज छोटा 9, सॉरी एक और बार कंट्रोल जे करेंगे एंड उसको नीचे लेके आएंगे, उसमें टाइप करेंगे हम 9 PM, ठीक है गाइस। एंड उसको कर देंगे हम बड़ा। बड़ा करने के बाद उसका कलर कर देंगे वाइट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ये सिलेक्ट करने के बाद अब हम कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई से एक न्यू लेयर बना लेंगे। न्यू लेयर बनाने के बाद हम जाएंगे फिल्टर में एंड करेंगे कैमरा रो। कैमरा रो करने के बाद हम इसकी क्लैरिटी बढ़ा लेंगे, ब्लैकनेस भी थोड़ी बढ़ा देंगे। अब गाइस हम जाएंगे चौथे ऑप्शन में HSL ग्रे स्केल में एंड यहाँ से इसकी लाइटिंग बढ़ा देंगे, जैसे ब्लू को ब्लू की लाइटिंग थोड़ी और बढ़ा दी, पर्पल की लाइटिंग थोड़ी बढ़ा दी। अब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है एंड बैनर लुक दे रहा है। अब इसके लिए एक और बार हम इसको कंट्रोल जे करेंगे एंड इस पे लगाएंगे हाई पास। अदर में फाइल में जाएंगे, अदर में जाके हाई पास लगा देंगे। हाई पास से इसमें शार्पनेस आ जाएगी गाइस एंड इसे कर देंगे ओवरले। अब देखिए आप इसमें शार्पनेस आ चुकी है, तो अब ये ठीक लग रहा है। देखिए गाइस पहले हल्का सा ब्लर टाइप था, अब ये शार्पनेस आ चुकी है एंड अभी ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। तो इसके लिए एक हम रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट करेंगे जिसमें बैकग्राउंड पे नहीं रखेंगे, लाइनिंग कलर रख लेंगे येलो, इससे मिलती जुलती एंड उसे क्रिएट कर लेंगे यहाँ। अभी ठीक लग रहा है गाइस, एक बैनर का लुक दे रहा है। अभी ये एक कॉर्नर खाली दिख रहा है गाइस, तो इसमें मैं अपना ब्लॉग लगा लूंगा।
तो हम उसको उठा के यहाँ लेके आएंगे अपने इमेज पे एंड कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद साइज एडजस्ट करेंगे उसका। गाइस आप अपने हिसाब से जो मर्जी चाहे आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि आप किसी कंपनी का बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से किसी कंपनी का लगा सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे गाइस और एक साथ तीनों को सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे तो ये तीनों में आ जाएगा। एंड इन दोनों का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा एंड क्लिक कर देंगे। अभी ये बहुत बड़ा लग रहा है गाइस, इसे ब्लॉक को हल्का सा छोटा करेंगे, ये ठीक लग रहा है। एंड अभी हमारा परफेक्ट बैनर तैयार हो गया।